नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज में। दोस्तों, आईपीएल 2020 का 31वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीजन में दूसरी बार यह दोनों टीमें आमने सामने होंगी। इससे पहले जब ये दोनों टीमें मैदान पर उतरी थी तो पंजाब ने बाजी मारी थी। ऐसे में शानदार प्रदर्शन कर रही आरसीबी पिछली हार का बदला जरूर लेना चाहेगी। किंग्स इलेवन पंजाब के लिए इस मैच में क्रिस गेल का खेलना लगभग तय माना जा रहा है। गेल फिलहाल पेट दर्द से उबर गए हैं और शारजा में आज वह इस सीजन का अपना पहला मैच खेल सकते हैं। गेल के लिए यह मैदान मुफीद साबित हो सकता है। वेदर रिपोर्ट। शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। हालांकि खिलाड़ियों को यहां भी भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा, यहां भी ओस नहीं रहेगी। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ले सकती है। पिच रिपोर्ट। अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम की तुलना में शारजा क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम बिल्कुल अलग है। यह मैदान साइज के हिसाब से काफ़ी छोटा है, लेकिन यहां तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिल सकती है। ऐसे में दोनों ही टीमें तीन तीन तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतर सकती है। मैच प्रेडिक्शन। हमारा मैच प्रेडिक्शन मीटर कहता है कि इस मैच में किंग्स इलेवन पंजाब को जीत मिलेगी। हालांकि मैच के क्लोज रहने की पूरी संभावना है। ऐसी हो सकती है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। किंग्स इलेवन पंजाब: क्रिस गेल, केएल राहुल कप्तान, मयंक अग्रवाल, निकोलस पूरन, ग्लेन मैक्सवेल, मनदीप सिंह, कृष्णप्पा गौतम, रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी, हर्षदीप सिंह और शेल्डन कॉटरेल। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर: विराट कोहली कप्तान, एबी डिविलियर्स, देवदत्त पडिक्कल, एरन फिंच, वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, इसरू उड़ाना, यजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज। दोस्तों, इस मुकाबले में आपके अनुसार कौन सी टीम जीत सकती है? आपका विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।